हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आज है डे 2 और आज है 4 जनवरी। सो हम लोग पहुंच गए बुआ के घर और अभी निकलने वाले, सुबह का 10 बज रहा है और हम लोग निकलने वाले दिल्ली दर्शन करने के लिए। सो हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं, हम, मेरी वाइफ, भैया जो कि नहीं जा रहे हैं, हमारे गौतम दा, और ये है सुप्रिया और इधर है बुआ, बट बुआ भी नहीं जा रहे। सो हम लोग दो जन जा रहे, हम, वाइफ और मेरी भतीजी और भतीजा। सो आज भी बहुत एंजॉय होने वाला है। कल बीता, कल 3 जनवरी था जो हम लोग आए थे यहाँ पे, रांची से होके दिल्ली तक आए थे रात को, और आज हम लोग निकलने वाले हैं। सो बने रहिए और देखते रहिए हम लोग का ब्लॉग, अच्छा अच्छी जगह पे ले जाएंगे और सबको दिखाएंगे हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और ये है हमारी भाभी जो कि किचन में व्यस्त है, और आज बन रहा है चिकन, और क्या बन रहा है, अभी नहीं, अभी बनाऊंगी चावल। टिफिन हो रहा है भैया के लिए, आप पीछे तो मुड़िए, मेरे ऑडियंस को देखना है आपको। यही है भाभी जो पिछले ब्लॉग में थी, शादी में, जो प्रीति को सिंदूर दान के टाइम वो कर रही थी, क्या बोलते, कुछ तो कर रही थी, साड़ी से ढक रही थी इसको। चलो फिलहाल ढका जा रहा था, तुम्हें को ढका जा रहा था, बाकी चीजें हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अभी हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लव यू गाइस। ये हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, जो कि हम बीच में नहीं बैठने वाले, तुम बैठोगी, बीच में ही बैठोगे अपनी बीवी के पास, नई शादी हुई है, बताओ इस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं है। मुझे बीच में बैठना है। यस। अरे यार डुबा देगी तुम लोग। सो बैठ चुके हैं और मुझे फाइनली बीच में ही बैठना पड़ा, दोनों अड़ियल लोग, ठीक है, कोई हटने को तैयार नहीं। सो पहले हम लोग कहाँ जा रहे हैं सुप्रिया? पहले हम जा रहे हैं, उसके बाद उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम जाएंगे सीपी, जहाँ पर हमें काफी सारी जगह मिल जाएंगी, जैसे कि बंगला साहिब एंड ऑल, इंडिया गेट्स एंड ऑल। तो इतना हम आपको अभी नहीं बता सकते, वरना आप लोग यही छोड़ देंगे। सही बात है, तो आप लोग बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द ब्लॉग। और ये है नाड़ू जिसका फोटो वीडियो नहीं आया था, अभी देख लो मास्क में है। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार, और ये है नाड़ू, मेरा भतीजा, बहुत ही स्वीट सा लड़का है। सर मार रहा है। और ये है हम लोग एंट्री पे, सारे को हम लोग आ चुके हैं, एंड ये रहा गेट। सो इसमें एंट्री करेंगे हम लोग, फिर कुतुब मीनार देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, हम लोग अंदर आ गए और हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक किए थे। सो जब भी आप कुतुब मीनार आओ तो ऑनलाइन टिकट बुक कर लेना, बहुत टाइम आप लोगों का सेव होने वाला है। और ये आ गए हम लोग अंदर, पीछे रहा कुतुब मीनार। सो ऑनलाइन टिकट बुक करना, बहुत टाइम सेव होने वाला है, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि टिकट के लाइन में आप लग जाओगे ना तो आपका आधा घंटा वहाँ चला जाएगा। ऑनलाइन बुक करो, 5 मिनट का काम है और आपको तुरंत घुसने को मिल जाएगा वहाँ पे। सो आगे मेरा पलटन जा रही है, ऊपर प्लेन भी जा रहा होगा कहीं, आवाज़ तो ज़ोरदार आ रही है। सो दिस इज द प्लेस, गजब, मस्ट विजिट इन दिल्ली। मेरा ये तीसरा या चौथा विजिट है, तीसरा है। छोटे में आए थे, फिर बीच में 2019 में आए थे, और अभी एक बार फिर से विजिट किया। और ये देखो, ये बहुत लाजवाब जगह है, फोटोग्राफी के लिए बहुत मस्त है। सो हम लोग कुतुब मीनार का हिस्ट्री को जानते हैं, हमारी सुप्रिया के जवानी, चलिए बताइए। बेसिकली ये जो बना था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, जब वो पृथ्वीराज चौहान को हरा के आए थे, तो
तो इट्स लाइक पावर दिखाना है बना के कुछ, तो उस टाइम पे तो ऐसे ही दिखाया जाता था। बट उसने सिर्फ दो स्टोरी बनाए थे इसके, इसको कंटिन्यू किया था उसके सक्सेसर ने, इसका नाम था इल्तुतमिश। फिर ये तुगलक किया किसी के टाइम पे, उसको दोबारा ठीक किया गया। फिर ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे चीज़ें बनाई, खिलजी ने भी अपना कुछ योगदान दिया इसमें, आगे पीछे है वो भी देख सकते हैं। सो या बेसिकली यही हिस्ट्री है इसकी। सो वेरी नाइस, सो आप लोगों को पता चल गया क्या है नहीं है, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हम लोगों का दिल्ली दर्शन का प्लेस है वहाँ चलते हैं। सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे व्लॉग में।